खबर कानपुर महानगर से है। यूपी सीए अब चुप नहीं बैठेगा, वो लड़ाई लड़ेगा और जवाब जरूर देगा। ये कहना है केसीए चेयरमैन संजय कपूर का। यूपी सीए पर लग रहे आरोप पर किया खंडन, लेकिन आरोप लगाने वालों की तरफ इशारा भी नहीं किया। कानपुर केसीए चेयरमैन संजय कपूर ने आज गेजेस क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता में यूपी सीए पर पैसे लेकर चयन करने के आरोपों पर खंडन करते हुए बताया कि कुछ छूट भाई नेताओं के द्वारा यूपी सीए जैसी प्रतिष्ठित संस्था पर आरोप लगाया जा रहा कि यूपी सीए कानपुर में पैसा लेकर खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा, जबकि यह सरासर गलत आरोप है। यूपी सीए हमेशा से प्रतिभा और प्रदर्शन के आधार पर ही चयन करता आ रहा और आगे भी करता रहेगा। कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन खिलाड़ियों के चयन से पारदर्शिता का बेहतर ख्याल रखता है, जिसकी यूपी सीए की प्रतिस्पर्धा में कोई भी खिलाड़ी पीछे ना रह जाए। हालांकि उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कुछ भी स्पष्ट नहीं किया, लेकिन एक बात पर बार बार जोर देते हुए कहा कि ये नया यूपी सीए है, ये लड़ेगा भी और बराबर जवाब भी देगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस प्रदेश के सारे प्लेयर्स को समर्पित है, जिनके कारण आज हम सब लोग यहां पर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के सारे क्रिकेटर हमारे लिए सर्वोपरि हैं, चाहे वो पुराने प्लेयर हों गोपाल शर्मा जी से लेकर आज तक शिवम मावी तक, और जिनके नाम बीच में नहीं लिए, सब प्लेयर्स की बात कर रहा हूं, मोहम्मद अमान तक, छोटे से बड़े प्लेयर तक, यूपीसीए उनके वेलबींग के लिए काम कर रही है, उनके रक्षण के लिए काम कर रही है, इनको इनके उत्थान के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट आज इस ऊंचाइयों पे पहुंचा है अपनी पारदर्शी नीतियों की वजह से, अपने शानदार आचरण की वजह से, अपनी प्रतिबद्धता की वजह से। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश के सारे क्रिकेटर्स को मैं समर्पित करता हूं, जिनको नीचा दिखाने का काम कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं? कुछ छूट भैया नेता हैं जो खाली हैं, आजकल कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। छोटे छोटे जनपदों से भी आप रीच करके प्लेयर्स को डेवलपमेंट कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे, करा रहे हैं। आप बताइए ना, अलग अलग जनपदों से बच्चे आ रहे हैं। आप बताइए, 10 बच्चे रेगुलर, जब से आईपीएल शुरू हुआ लगभग 10 बच्चे एवरी ईयर खेल रहे हैं। कहां से आए? अभी यूपी T20 लीग शुरू करी, कितने बच्चों को डायरेक्ट वहां से आईपीएल में चयनित होने का मौका मिला। तो ये यूपी क्रिकेट और यूपी के उत्थान के लिए तो बच्चों के लिए तो है यूपी T20। खबरें आ रही थी कि अब आगे इंटरनेशनल मैच को ग्रीन पार्क में होने में प्रॉब्लम है, किसको कह सकते हैं? कौन कह रहा है आपसे? इन खबरों पे मैं विश्वास नहीं करता और इस पे जवाब देना भी उचित नहीं। हम बड़ी लकीर खींचने में, आज बड़ी लकीर खींचने में भरोसा रखते हैं, छोटों को बड़ा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम पब्लिक फोरम में हैं, ये नया यूपीसीए है, अपना पक्ष जरूर रखेगा और जवाब जरूर देगा। कानपुर से कमर आलम की रिपोर्ट।